साबिर, तुम तीनों का प्लान था जी जी, और इस तुम तीन इस प्लान में शामिल थे, ये बात इसको नहीं पता थी। और कोई काम नहीं मिला मजाक करने के लिए, ये कोई मजाक है सर? नाजमाबाद नंबर एक में नौजवान से मोबाइल फोन छीनने वाली सीसीटीवी फुटेज का ड्रॉप सीन। सीसीटीवी फुटेज में दो नौजवानों को अपने पालतू कुत्ते के साथ तस्वीर बनाते हुए स्ट्रीट क्राइम की वारदात होते देखा जा सकता है, जिसमें एक नौजवान ने स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ हाथापाई की, जिसके बाद स्ट्रीट क्रिमिनल फरार हो गए। रिजविया सोसाइटी पुलिस ने फुटेजेस में नजर आने वाले स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ लिया, तो मालूम हुआ कि मोबाइल छीनने वाले दोनों लड़के और डॉग के साथ तस्वीर बनाने वाले नौजवान आपस में दोस्त हैं। तीन दोस्तों जिनमें अब्दुल रहमान, साबिर, असामा ने मिलकर अपने एक दोस्त रेहान आसिफ को परेशान करने के लिए मोबाइल फोन छीनने का मजाक किया था। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद पुलिस ने चारों नौजवानों को पकड़ लिया, जिसके बाद ही इंकिशाफात हुए। क्या नाम है? अब्दुल रहमान। डॉग तुम्हारे पास था? जी मेरे पास था। और ये वीडियो शूट कर रहा था? जी। तुम जो डॉग लेके खड़े थे, ये वीडियो शूट कर रहा था जी। और ये दोनों तुम्हारे दोस्त हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है जी, कि ये दोनों मोबाइल छीनने के लिए हैं जी। ये तुम लोगों का, तीन लोगों का प्लान था? ये हम मस्ती कर रहे थे। वो मस्ती तुम कर रहे थे, तुम इसमें शामिल थे, तुम्हें पता था ये आएंगे, ये दोनों आए। ये तुम बाइक चला रहे थे? बाइक किसकी थी? बाइक ये थी किसकी? ये तुम्हारा क्या नाम? अब्दुल रहमान। बाइक अब्दुल रहमान की थी। और तुम्हारा क्या नाम? उसामा। उसामा उसामा अब्दुल रहमान। और तुम्हारा? साबिर। साबिर, तुम तीनों का प्लान था जी जी, और इस तुम तीन इस प्लान में शामिल थे, ये बात इसको नहीं पता थी। तुम्हारा क्या नाम? मोहम्मद अयान आसिफ। अच्छा, तुम तीनों ने ये प्लान किया कि मोबाइल छीनना है इसे? हाँ, मोबाइल इसे छीनना है। 5 मिनट बाद जब ये मतलब रोने लग जाएगा, जब दोस्ती यारी मजाक करते हैं, तो इसको वापस दे देना था, लेकिन फिर हाँ। तो ये पिस्टल किसने ली? पिस्टल लाइटर ये लाइटर तो है, किसने लिया? ये दुरमान भाई, अब्दुल रहमान। तुमने लिया? जी सर, ऐसी खरीदा है शॉप के लिए। खरीदा है शॉप के लिए? कहाँ रहते हो तुम? मैं नाजमाबाद नंबर एक। अच्छा, और तुम कहाँ रहते हो? मैं आसमानी सोसाइटी। तुम चारों एक दूसरे को जानते हो? जी जी। और तुम दोनों ने मास्क क्यों लगाया? वो दोस्त है ना, ये जानता है, मैं तो पहचान न ले, तो इस वजह से दोस्ती यारी में ही मजाक किया था। लेकिन मास्क पहना जब पकड़ लिया था मैं, तो इन्होंने मास्क उतार लिया था, तो इन्होंने पुलिस वालों ने बोला सही है, लेकिन पुलिस वालों ने बोला हम आप लोगों को छोड़ नहीं सकते, बात जो है आगे चली जाएगी, तो हमारी ड्यूटी हम वो करेंगे, तो इस वजह से अभी हम आपके पास आए। चारों दोस्तों कब से जानते हो? चारों ये मतलब इनको तो मैं महीना हो गया इंस्टाग्राम पे मैंने इनको मतलब फॉलो किया, तो बातचीत हमारी बहुत पहले मुलाकात हुई थी एक दफ़ा, जब कुट्टे तिलाते हैं तो बहुत पहले। और कोई काम नहीं मिला मजाक करने के लिए, ये कोई मजाक है सर? गलती हो गई सर। ज़्यादा टाइम है तुम लोगों के पास? नहीं सर, गलती हो गई। तुम्हें नहीं पता था कि ये ओरिजिनल लगेत नहीं है, दोस्त है, तुम्हें ये नहीं पता? चमार तुमने मारा ना वीडियो में जी, चमार तुम्हें लगा था जी जी, तुम्हें मारा था जी। वो बाइक किसकी? बाइक इनके लिए। बाइक भी तुम्हारी है जी? कहाँ है बाइक? बाइक तो घर पर। और वो डॉगी कहाँ? डॉगी भी घर पर है तुम्हारे पास जी। नौजवानों ने बताया कि मोटरसाइकिल अब्दुल रहमान की थी और नकली लाइटर पिस्टल भी अब्दुल रहमान लाया था, और रेहान के डॉग के साथ तस्वीर लेने के दौरान ये मजाक किया गया था। एसएसपी सेंट्रल ने वालदेन से अपील की है कि बच्चों की एक्टिविटीज पर नजर रखें, इस तरह का मजाक किसी हादसे का सबब बन सकता है। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मंजर रिजवी, अरकम न्यूज कराची। तुम तीनों का प्लान था जी जी, और इस तुम तीन इस प्लान में शामिल थे, ये बात इसको नहीं पता थी। और कोई काम नहीं मिला मजाक करने के लिए, ये कोई मजाक है सर? गलती हो गई।